दोस्तों मैं अभी अभी आया था घूमने। शाम का नजारा गांव में बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की तरफ, ये है उड़द की खेती। दोस्तों देखिए ये है गांव का सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। तो देखिए यहां से हमारा गांव शुरू होता है। दोस्तों तो कैसे हैं आप, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग की। आज मैं आ गया हूँ शाम के वक्त घूमने, तो दिखाता हूँ शाम का नज़ारा। चलिए दोस्तों मैं अभी अभी आया था घूमने। शाम का नज़ारा गांव में बहुत ही सुंदर होता है। आप पीछे तक देख सकते हैं, यहाँ केवल हरियाली और हरे भरे खेत ही दिखते हैं। अभी मैं चल रहा था तो आपको दिखाता हूँ अभी कुछ गांव के मौसम का शानदार नज़ारा। आजकल हमारे यहाँ मौसम अब खुलने लगा है, जो है थोड़े दिनों की बारिश बताई हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल खुल रहा है। अभी मैं आप दोस्तों देखिए ये है हमारे गांव का शानदार मौसम। शाम के समय कैसा बढ़िया मौसम हो रहा है, आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली है और बहुत सुंदर खेत नज़र आ रहे हैं। कैसा लगा आपको? देखिए अभी मैं आया था और मुकुल है, ये रहा, चल रहा है मेरे साथ, और आप देख सकते हैं पीछे कितना शानदार और सुंदर नज़र आ रहा है। बिल्कुल साफ वातावरण है, बिल्कुल अच्छी सड़क। दोस्तों देखिए ये है गाँव का कोल्लू। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं तो वे तो सब जानते हैं, लेकिन जो न्यू व्यूअर है मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है गन्ने का रस निकालने का कोल्लू। यहाँ निकलता है गन्ने का रस, आप देख सकते हैं मैं लगातार चल रहा हूँ और वीडियो भी बना रहा हूँ। यहाँ निकलता है गन्ने का रस और यहीं गुड़ बनता है। दोस्तों ये भी चल पड़ेगा नवंबर के महीने में, मैं एक इसके लिए दोस्तों ये भारत के गाँवों की संस्कृति है, आप देख सकते हैं यही है भारत के प्राचीन। सड़क बिल्कुल शांत रहती है। हमारे यहाँ बहुतायत में गन्ना बोया जाता है, आप देख सकते हैं इधर भी शुगर कैन की खेती है और इधर भी शुगर कैन गन्ने की खेती है। हमारे यहाँ काफ़ी बहुतायत में गन्ना बोया जाता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर की तरफ, ये है उड़द की खेती। दोस्तों ये सब दाल खाते हैं वो गांव में ही उपजती है, किसान ही उसे उगाता है, और आप देख सकते हैं यही है उड़द की खेती। कितने अच्छे उड़द खड़े हैं, उड़द की दाल बन जाएगी आगे को, इसे ही कहते हैं उड़द की खेती। दोस्तों देखिए अब हम आधे रास्ते पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों ये है गांव का ट्वेल जिससे खेतों में सिंचाई की जाती है, कितना सुंदर लग रहा है। तो शाम को घूमने का नज़ारा शानदार होता है गांव में, बिल्कुल साफ सड़क, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं और मुकुल आए थे घूमने, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ गांव हमारा लगभग 1 किलोमीटर दूर रह गया है, 1 किलोमीटर हम आ चुके हैं। हम लगभग 2-2.5 किलोमीटर इधर से और 2-2.5 किलोमीटर उधर से आते हैं हर शाम, लगभग जब भी टाइम मिलता है। दोस्तों ये है हमारे गांव का स्कूल, आप देख सकते हैं जो स्कूल है छोटे बच्चों के लिए, काफ़ी दूर तक दिख सकते हैं और यहां का पूरा वातावरण। देखिए दोस्तों स्कूल आ चुका है, आपको दिखा दूं मैं, स्कूल आ चुका था। देखिए दोस्तों इस स्कूल के बाहर कितनी सुंदर फुलवारी लगी है, आप भी देख सकते हैं कई तरह के फूल के पेड़ हैं और कई तरह के वैसे भी हैं, अशोक के भी हैं। दोस्तों इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और आप सफ़ेद फूल की सुंदरता तो देख ही सकते हैं। मैं और मुकुल आ गए हैं लगभग भट्टे के पास, अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ ईंट बनती हैं उसका नज़ारा। दोस्तों आज हम ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, लेकिन जहाँ ईंट बनती है वहाँ तक ज़रूर आपको नज़ारा दिखाऊंगा। दोस्तों ये वो ईंट भट्टा है जो जिससे ईंट बनती हैं, वहाँ जो मैंने आपको जगह दिखाई थी उसमें पानी भर रहा था ईंट बनने की जो जगह है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके थ्रू ही ईंट बनाई जाती है, यही है भट्टा। और आसपास का वातावरण देखिए एकदम हरियाली वाला। दोस्तों हम चलते हैं घर के लिए वापस, आज इतना ही आए थे। दोस्तों हम वापस चल दिए हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारी सड़क है इस पर ट्रैफिक तो काफ़ी कम रहता है, लेकिन आप देख सकते हैं एक दो मोटरसाइकिल वाहन आता रहता है, पर ज़्यादा नहीं रहता। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ सड़क पड़ी है, ना कोई ज़्यादा ट्रैफिक है और ना ही ज़्यादा पोल्यूशन है। तो गांव में सबसे सुंदर नज़ारा होता है गांव के सनसेट का। अब मैं आपको दिखाता हूं गांव की जब सूरज अस्त होता है, सूर्यदेव अस्त होते हैं तो कैसा नज़ारा होता है, इसे मैं रुक कर दिखाऊंगा आपको। दोस्तों देखिए ये है गांव का सनसेट, कितना प्यारा लग रहा है। दोस्तों इतना सुंदर सनसेट शहर में नहीं होता, क्योंकि एक हरियाली और गाँव की संस्कृति के बीच होता है, कितना सुंदर और प्यारा नज़ारा है। दोस्तों आप देख सकते हैं अब मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा हूँ, लेकिन आप सनसेट का नज़ारा देखिए दोस्तों, हरियाली और पेड़ों के बीच सूर्य देव कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। दोस्तों ये देखिए समय हो चुका है 6 बजे का और लगभग मैं चल पड़ा हूँ अपने घर के लिए। अभी गांव के आधम में हूँ, आधे रास्ते में आ चुका हूँ। तो दोस्तों अब मैं थोड़ी देर में जब गाँव पहुँच जाऊँगा, जब मिलूँगा आपसे। तो देखिए ये होती है गाँव की ट्वेल जिसे सिंचाई होती है। दोस्तों मैं और मुकुल आ चुके हैं लगभग गांव के पास, आप देख सकते हैं पीछे तक जहां हमने घूमने गए थे तो वो काफ़ी पीछे रह गया है। अब मैं आपसे गांव पे जाके मिलूंगा। दोस्तों लगभग अभी गांव के पास ही आ चुके हैं,
मैं और मुकुल घूमना आए थे शाम के वक्त। काफ़ी अच्छा लगता है घूमकर दोस्तों। अभी लगभग 5:30 और 6 के करीब का समय आ गया है। देखिए दोस्तों, गांव में ना तो कोई पॉल्यूशन होता है घूमने की तरफ, ना और कुछ होता है। दोस्तों देखिए, यह हमारे गांव का एंट्री पॉइंट, ये हमारे गांव का सबसे पहला घर है जो जंगल के पास ही है। और हमारे गांव का एंट्री पॉइंट दिखाता हूँ दोस्तों, मैं आज दिखाऊंगा आपको थोड़ा गांव का नज़ारा भी। तो देखिए, यहाँ से हमारा गांव शुरू होता है। कितना सुंदर नज़ारा है, अभी मैं आपको दिखाता रहूँ, चलता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। ये काफ़ी पहला घर है हमारे गाँव का उससे। दोस्तों ये देखिए, हमारे गाँव का मंदिर है। ये दो मंदिर एक साथ हैं। और इधर देखिए दोस्तों, ये गांव का जोहड़ तालाब कहते हैं इसे। और ये है कुछ गांव का शानदार नज़ारा। पहुँच चुका हूँ और देखिए गाय माता मेरे पास आ चुकी हैं। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो घंटी का बटन ज़रूर दबा देना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।